देहली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंधन देहली अबकारी नीति अक्रम भ्रष्टाचार आरोप इवर विरुद्ध केबरता है। देहली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंधन इन देहली अबकारी नीति अक्रम भ्रष्टाचार आरोप इवर विरुद्ध केबरता है। इन देहली उपमुख्यमंत्री सीबीआई अधिकारी बंधिसिद्दारे। सीबीआई अधिकारी देहली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंधिसिद्दारे। बेळग्गे मनीष सिसोदिया विचारण सीबीआई कैगोंडितु। इन 9 गंटेगू हेच्चु काल विचारण नडेसि आनंतर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंधिसलागिदे। देहली उपमुख्यमंत्री आगिरुवंत मनीष सिसोदिया बंधनवागिदे। इन देहली अबकारी नीति अक्रम भ्रष्टाचार आरोप इवर विरुद्ध केळिबंदिरुवंत बेन्नले सीबीआई अधिकारी इवरन्न बंधिसिद्दारे। इन इवत्तु बेळग्गेयिंद मनीष सिसोदिया विचारण सीबीआई अधिकारी नडेसता इद्दरु। 9 गंटेगू हेच्चु काल विचारण नडेसि ಬಳಿಕ ಬಂಧನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಸಿಬಿಐ ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಸಿಬಿಐ ನಿಂದ ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಐಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು। ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸತತ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾರನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमने हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आई। दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सबको डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए। प्रतिक्षण सुद्दिगागी जी कन्नड न्यूज ऐप डाउनलोड माड़ी। लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी सुद्दी निम्म अंगैयल्ली।